गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फुल फ्लेश क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कैपिटल एडजस्टमेंट। अब यहाँ पास जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, यहाँ पास नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ कैपिटल नहीं लाएगा। वो क्वेश्चन बोलेगा कि जो नया पार्टनर को पैसा लाना है अपना शेयर ऑफ कैपिटल, वो किस पे बेस होगा? बेस ऑन दी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल होगा उसी बेसिस पे नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ कैपिटल लेकर आएगा। ठीक है, कैसे होगा क्वेश्चन के जब पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन On 31st March 17, the balance sheet of Abir and Divya, who were sharing profit in the ratio of 3:1 was as follows. Balance sheet duty as 31st March 17 ki liability side creditors, employee provident fund, investment fluctuation fund, general reserve, capital account. Asset side cash, debtors, less provision, stock, investment 5 lakh, market value of investment 4,40,000. अब एडजस्टमेंट बताइए। दे डिसाइडेड दैट टू एडमिट विबोर ऑन 1st April 17 फॉर 1/5 शेयर। विबोर शैल ब्रिंग 80,000 एज शेयर ऑफ गुडविल इन प्रीमियम एज प्रीमियम। वो अपना गुडविल पैसा लाएगा 80,000 रुपीज। स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। स्टॉक ओवर वैल्यू है, ज्यादा लिखी गई है बुक पे, तो क्या करेंगे? स्टॉक की वैल्यू हम 20,000 से कम कर देंगे। डेटर्स हुज ड्यू of 5,000 were written off as debt paid 4,000 in full settlement. एक debtor था जो पैसा लेके पहले भाग गया था, अब उसका ईमान जागा तो उसने क्या किया, 4,000 रुपीज पे कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये मेरा revaluation account में पैसा आएगा, बढ़ेगा। 2 months salary at the rate 6,000 per month was outstanding. 2 महीने की salary है employee की जो कि outstanding देना बाकी है, मतलब रिकॉर्ड नहीं थी अभी तक, बैलेंस शीट में नहीं दिए ना, तो अब रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी बढ़ेगी, तो ये रिवैल्यूएशन में टू साइड आएगा। पॉइंट नंबर ई ही इंपॉर्टेंट है, उसी बेस पर क्वेश्चन करा दें। विभोर वॉज टू ब्रेक इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। विभोर कितना पैसा लाएगा? 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो पहले हम क्या निकालेंगे, 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल निकालेंगे न्यू फर्म की, उसका 1/5 हिस्सा कौन लाएगा? विभोर लाएगा, भाई उससे क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। ठीक, शुरू करें। ठीक है, तो बनाना क्या है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म, ये सब चीजें बनानी है। तो मैंने फॉर्मेट पहले से बनाया हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और इसमें डेट क्या दी है, 31st March 17। तो यहाँ डेट क्या जाएगी, 31st March 17। कहाँ गया मार्कर, 31st March 17। ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट डेट है। अब आगे पर्टिकुलर कौन कौन है पार्टनर इसमें, इसमें है अबीर, दिव्या एंड विभोर। अबीर, दिव्या एंड विभोर पर्टिकुलर, अबीर, दिव्या एंड विभोर। ठीक है, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तीनों मैंने फॉर्मेट बनाए। पहला स्टेप क्या था, तीनों फॉर्मेट बनाइए। नेक्स्ट स्टेप क्या था, जितने भी रिवैल्यूएशन के पॉइंट है उसको एडजस्ट करेंगे। तो कौन कौन से हैं, पॉइंट नंबर 1 तो गुडविल पे है, वो बाद में करेंगे। पॉइंट नंबर 2, स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। स्टॉक 20,000 से ज्यादा लिखा है, क्या करेंगे हम, कम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 स्टॉक 20,000 से कम कर दिया, तो न्यू बैलेंस शीट में कितनी फिगर आ जाएगी, स्टॉक कितना आएगा, स्टॉक आपका आ जाएगा 3 लाख रुपीज है, 20,000 से कम कर दिया, कितना आ गया, 2,80,000, ये स्टॉक आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, डेटर्स हुज ड्यू वाज 5,000 वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेट 4,000 इन फुल सेटलमेंट। 5,000 रुपए बैड डेट हो गया था पहले, अब 4,000 रुपीज क्या है उसने पेमेंट किए, तो
पहले नहीं था, अब हो गया है, मेरा इंक्रीज हो गया, पैसा आ गया, किधर आएगा, किधर बाय बैंक अकाउंट, पैसा आ रहा है, नीचे ब्रैकेट में लिख दीजिए बैड डेट रिकवर्ड कितना 4000। अब ये कहां जाएगा, ये क्योंकि बैंक है तो बैंक में हम लास्ट में ऐड करते हैं, क्योंकि सबसे आखिरी में एडजस्टमेंट किसका करेंगे हम, कैश और बैंक का, कैश बोलिए बैंक बोलिए एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 2 मंथ सैलरी आउटस्टैंडिंग, 2 महीना सैलरी देनी बाकी है, क्या करेंगे, 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, 6000 है पर मंथ, तो कितना हो गया 12000, ठीक है। अब इसको कहां लिखेंगे हम, इधर आउटस्टैंडिंग सैलरी 12000, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है हमें, रिवैल्यूएशन के सिर्फ यही पॉइंट थे और पॉइंट नहीं है, तो ये हमने किया। अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग जो फिगर है आपकी बैलेंस शीट की वो हम ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कॉपी कर लीजिए क्रेडिटर्स कितना है, 2,20,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF, ये लाइबिलिटी होती है, कॉपी करिए। इसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अभी मैं इसको कराऊंगा, क्योंकि फंड भी दिया हुआ है, बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की 5,00,000 रुपीज, मार्केट वैल्यू कितनी है 4,40,000, अभी इसका मैं एडजस्ट करा रहा हूं, इसको छोड़िए आगे देखते हैं। जर्नलिज्म है, क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो बढ़ जाएगा, और कैपिटल भी है, तो पहले हम कैपिटल लिख लें, बाय बैलेंस BOB, कितनी कैपिटल है, 6,04,00,000, ठीक है। फिर क्या आएगा, बाय जनरल रिजर्व, कितना है जनरल रिजर्व, हाँ जनरल रिजर्व आपका है 1,20,000, तो 1,20,000 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेशियो में, रेशियो है 3:1, तो ये आएगा 90,000 and 30,000, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं असेट साइड, तो सबसे पहले कैश एंड बैंक है, उसको लास्ट में करेंगे। डेटर्स, इसको हम कर लेते हैं, डेटर्स हम कर लेते हैं, ठीक है। तो डेटर्स में क्या करेंगे, एलिसिस कॉपी करेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डेटर्स कितना है, 6,50,000, 6,50,000 लेस प्रोविजन, कितना प्रोविजन है 50,000, तो डेटर्स हो गया आपका 6,00,000 रुपीज, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आगे, अब इसके बाद क्या है, डेटर्स हो गया है, फिर स्टॉक, स्टॉक हमने कर लिया है, इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट लास्ट पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहां बस एंट्री देखना, इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या होगी, मैंने केस करवाया था, ठीक है। रिजर्व है आपका 1,00,000 रुपीज, कितना है रिजर्व, रिजर्व है 1,00,000 रुपीज, बुक वैल्यू है 5,00,000 रुपीज, और मार्केट वैल्यू 4,40,000, मार्केट वैल्यू कम है ना, कितने से कम है, 60,000 से कम है, जितना कम है कहां से लेंगे हम, रिजर्व से लेंगे, और जब रिजर्व जो बच जाएगा वो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बांट देंगे। देखो एंट्री कैसे होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट रिजर्व में कितना है, 1,00,000 रुपीज है, इन्वेस्टमेंट में कितना कम है, 60,000 कम है, तो रिजर्व से हमने लिया 60,000 इन्वेस्टमेंट की तरफ, अब कितना बच गया रिजर्व में, 40,000, वो क्या करेंगे अबीर एंड दिव्या में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, यहां क्या जाएगा, 2 अबीर कैपिटल अकाउंट और 2 दिव्या कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बात समझ आई, तो कितना हो गया, 40,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 के रेशियो में, तो अबीर को मिलेगा 30,000, इनको मिलेगा 40,000, ठीक है। अब इनका इफेक्ट क्या हो गया, इनका इफेक्ट देखिए, ये इधर आएंगे, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन
reserve account 30,000 and 40,000. ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट इधर आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट कितना 4,40,000, क्योंकि मार्केट वैल्यू कितनी है 4,40,000. ये बात समझ में, पहले 5 लाख रुपीज था, 60,000 से कम हो गया, कितना बचा 4,40,000 रुपीज. ठीक, क्लियर. अब आगे तो सब चीज ट्रांसफर हो गई है, बैलेंस शीट की सब चीज ट्रांसफर हो गई है. अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, फिर इस पे आएंगे, इसको क्लोज करेंगे, फिर इसको क्लोज करेंगे. ठीक है, पहले इसको क्लोज करते हैं. ज्यादा किधर है, ज्यादा इस तरफ है. कितना है 32,000. कितने से कम है, इधर आ गया बाय लॉस, बाय शेयर ऑफ लॉस ट्रांसफर टू अभी एंड दिव्या. कितना लॉस है, 32,000 माइनस 4,000, 28,000 है. इस 28,000 को 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनको आएगा 21,000 और इसको आएगा 7,000. ठीक है, क्योंकि अब ये लॉस है तो कहां जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, इन पार्टनर्स अकाउंट इनको कहां लेंगे, इस तरफ. तो ये आ गया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में शेयर ऑफ लॉस. कितना है 31,000 एंड 7,000. बात समझ गए, इतना क्लियर हुआ कि नहीं. ठीक है, 21,000 एंड 7,000. ठीक है, तो ये क्लोज हो गया. अब इसको क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करने के लिए हमें चार चीज देखनी पड़ती है. क्या क्या, कैपिटल ट्रांसफर किया, कर दिया, कोई रिजर्व था ट्रांसफर किया, कर दिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर किया, रिवेल्यूएशन का कर दिया, फोर्थ चीज क्या थी, गुडविल. अभी क्या बचा है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. अब क्या करते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट. तो कितना पैसा होने गया है गुडविल का, विभो शेयर ब्रिंग 80,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल. विभो कितना पैसा ला रहा है, 80,000. ठीक है, कैसे एंट्री क्या होगी, एक तो पैसा लाने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. कितना ला रहा है, 80,000. ठीक है, फिर इसी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू अभी अकाउंट टू दिव्या अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. किसमें करेंगे, इन सैक्रिफाइसिंग. ठीक है, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया, 80,000 को हम किसके बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां कैसे निकलेगा, यहां पास आपका ओल्ड रेशियो दिया हुआ 3:1, न्यू पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए फुल स्टॉक. ठीक है, तो हम न्यू रेशियो निकालेंगे अकॉर्डिंग टू केस नंबर 1. फिर हम क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो. एक चीज आपने अभी तक गौर की, जब भी हम न्यू रेशियो निकालते हैं अकॉर्डिंग टू केस नंबर 1, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, तो जो ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो होता है वही क्या बन जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो. मतलब ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1 है. हम न्यू निकालेंगे अकॉर्डिंग टू केस नंबर 1, फिर जब सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे वो भी क्या आएगा, 3:1. तो जब भी ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो हम निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू केस नंबर 1, वहां बस हमेशा क्या होगा, आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा जो आपका ओल्ड था. तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पहचानना पड़ेगा अगर हमें न्यू रेशियो निकालना है केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग, तो उस केस में हम न्यू रेशियो ना निकालें, क्योंकि जो ओल्ड रेशियो है वही क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो. जैसे कि इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर की, बस और कुछ नहीं बोल रहा. तो आप ये समझ जाइए कि हमें न्यू रेशियो केस 1 से निकालना है, तो हम न्यू रेशियो नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो ओल्ड रेशियो वही क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 3:1. तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 3:1 में, तो जाएगा 60,000. कितना पैसा आ रहा था गुडविल का, 90,000 है. कितना है, 80,000. हाँ, 60,000 एंड 20,000. ठीक है, तो ये कहां जाएगा, इसका इफेक्ट कहां आएगा, ये तो कैश
अभी कैश हम ऐड कर देंगे, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल, एक बार क्रेडिट एक बार डेबिट कर दिया, ये आएगा इधर, एंट्री क्या होगी, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना 60,000 and 20,000, ठीक है, ये हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल का भी हो गया ट्रीटमेंट आपका, बात समझ में आई है ना, तो सब हो गया है, हम क्या निकाल लें, हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल लें, तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस सी ऑब्लिक डी, तो इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, इसको हमने ऐड किया कितना आएगा, 7,80,000 एंड इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 4,60,000, 780 यहां लिखिए, 7,80,000, 4,60,000, 780 + 21,000 कितना आएगा, 759 आपका क्लोजिंग बैलेंस, और 469 - 7,000 तो 453,000 ये आपका क्या आ गया, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, ये बात समझ में आई कैसे यहां तक हो गया है। अब इसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट आ गया, क्या करेंगे आप, अब आपका यहां से स्टेप स्टार्ट होता है कैपिटल एडजस्टमेंट का, ये क्लोजिंग बैलेंस आपकी आ गई, इसको आप पहले यहां लिखिए, बाय बैलेंस बी ऑब्लिक डी कितना है, 7,59,000 एंड 453,000। अब हमें निकालना है ये कैपिटल किसकी है, ओल्ड पार्टनर की कंबाइंड कैपिटल है ना, और इसी के बेस पे हम क्या निकालेंगे, कैपिटल के बेस पे क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, फिर जब टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आ जाएगी तो हम न्यू का शेयर निकालेंगे, ठीक है, बात समझ में आई, हाँ, तो कैसे है? इसको कॉपी करके क्या समझा, जल्दी इसको कॉपी करें, इसको मैं रफ कर लेता हूं, एक चीज और, अब विभोर आया 1/5 के लिए, विभोर आया 1/5 के लिए, टोटल कैपिटल टोटल प्रॉफिट बन था फॉर्म का, विभोर आया 1/5 के लिए, तो ये बच गया 4/5, ये 4/5 किसका है, ओल्ड पार्टनर का है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 4/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई अभीर एंड दिव्या इज इक्वल टू इनका कंबाइंड कैपिटल, मैं लिख के दिखाता हूं, देखिए 4/5 ऑफ द टोटल कैपिटल, ठीक है, तो कैसे इसको लिख सकते हैं, 4/5 ऑफ टोटल कैपिटल इज इक्वल टू, इनको ऐड कर दीजिए, 7,59,000 + 4,53,000, ये बात समझ में आई, ये कैपिटल किसकी है, ये कैपिटल किसकी है, अभीर और दिव्या की कैपिटल है, और अभी अभीर और दिव्या की कितना रिमेनिंग प्रॉफिट है, 4/5, तो 4/5 पूरी कैपिटल का कितना पैसा हो गया, ये क्योंकि दोनों ही पार्टनर का हिस्सा कितना है, 4/5 है ना, क्योंकि 1/5 किसका है, न्यू पार्टनर का है, तो ओल्ड पार्टनर का जो हिस्सा है वो उनकी कैपिटल की फॉर्म में ये लिखा गया, तो 4/5 ऑफ टोटल कैपिटल इज इक्वल टू ये, तो हम क्या निकाले, टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू, इनको ऐड करिए, इनको ऐड करने में कितना आएगा, 0,0,0 × 1/4 × 5/4, ये बात समझ में, जब ये रेशियो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, टोटल कैपिटल, ठीक है, ये बात समझ में, तो 1 × 1 × 000 × 5/4, मैं फिर से बता रहा हूं, टोटल कैपिटल का 4/5 हिस्सा किनका है, ओल्ड पार्टनर का, उन्हीं का पैसा यहां लिखा गया,
बस ठीक है, टोटल कैपिटल का फोर्थ फिफ्थ हिस्सा किसका है? अभी और दिव्या का, उन्हें कैपिटल ये लिखा गया है ठीक है, और उनके कैपिटल में ऐड किया ये आया। अब इस रेशो को आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ दी फर्म। तो कितना आएगा इसको निकालने पर, आप इसको निकालेंगे तो कितना आएगा ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3 0, इसको डिवाइड करेंगे आप तो 303000 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 15 15000। ये क्या आ गया टोटल कैपिटल ऑफ दी न्यू फर्म। हम क्या निकाल लें, बिफोर शेयर ऑफ कैपिटल कितना होगा, 1515000 इंटू 1/5 के, क्योंकि 1/5 के लिए आ रहा है, तो इसकी कैपिटल आ गई 3,03,000 ठीक है। तो इतना पैसा वो कैपिटल के फॉर्म में लाएगा। अब इसको हम कहां लिखते हैं, इसको हम इधर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट कितना 3,03,000 ठीक है। अब क्या निकाल रहे हैं, सब हो गया है, अब हम निकाल लें क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि हमें निकालना कितना था, नया पार्टनर कितना पैसा लाएगा, हमें वही निकालना था, हमने निकाल लिया। अब क्लोजिंग बैलेंस निकाल लें, 7,59,000 4,53,000 एंड 3,03,000 ना कॉपी करके टू बैलेंस शीट ऑफ लेटी 7,59,000 4,53,000 एंड 3,03,000 7,59,000 4,53,000 एंड 3,03,000 ठीक है। तो आपका ये हो गया रिवैल्यूएशन, ये हो गया कैपिटल एडजस्ट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पास ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट बिफोर दिव्या एंड सॉरी अबीर दिव्या एंड बिफोर कितना कितना गया 7,59,000 4,53,000 and 3,03,000 ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट में क्या बचा, कैश, हमें कैश एडजस्ट करना है कैश। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना था बैलेंस शीट में, कैश का ओपनिंग बैलेंस था बैलेंस शीट में 1,40,000 प्लस 4,000 कौन सा, ये 4,000 जो यहां रिकवर हुआ है ठीक है, जो स्टार्टिंग में आया था ना बैड डेट रिकवर 4,000 वो हो गया, प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल अभी लाया था नीचे कितना 980,000 प्लस न्यू पार्टनर अपना कैपिटल लाया है 3,03,000 ये सब मिला के क्या बन गया आपका कैश ठीक है। ओपनिंग कैपिटल कितनी है 1,40,000, उसके बाद 4,000 क्या है जो बैडेट रिकवरी हुई है, 80,000 क्या है प्रीमियम फॉर गुडविल, और 3,03,000 क्या है उसका न्यू पार्टनर का जो कैपिटल लेकर आया है ठीक है। तो कितना आ गया क्लोजिंग बैलेंस कैश का 527,000 5,27,000 ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट। कितना आ गया 1,847,000 एंड 1,847,000 ठीक है। तो ये था आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन, आसान नहीं होता है, प्रैक्टिस चाहिए आपको, सो कॉपी करिए फिर नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। यहां पर मैंने क्या कराया है, न्यू पार्टनर की कैपिटल ओल्ड पार्टनर की बेसिस पे थी, अगले क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर की कैपिटल होगी वो न्यू पार्टनर के बेसिस पे होगी ठीक है। थैंक यू।